आज डिस्कस करेंगे बीटा ब्लॉकर ड्रग। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अल्फा ब्लॉकर और आज डिस्कस कर रहे हैं बीटा ब्लॉकर, ठीक है ना। तो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स ये तीन टाइप से बांटी गई हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन में क्या है, ओल्ड है, नॉन सेलेक्टिव है। सेकंड जनरेशन बीटा वन बोलते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव है। थर्ड जनरेशन में बीटा ब्लॉकर तो है ही, साथ साथ अल्फा ब्लॉकर भी प्रॉपर्टी है इनमें और वेशोडायलेटर भी है। बात कर लेते हैं ड्रग्स को कैसे याद करना है। ड्रग्स के नाम पहले देख लेते हैं, प्रोपेनोनोल, टीमोलोल, सोटालोल, पिंडोलोल, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन ड्रग। सेकंड जनरेशन में मेटोप्रोलोल, एटीनोलोल, एसीबिटोलोल, बीसोप्रोलोल और एसमोलोल। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, लेबेटोलोल, कार्बिडोलोल, सेलिप्रोलोल, नेबिबोलोल और बिटोक्सोलोल। याद कैसे करना है, ऐसे याद करना है, बीटा ब्लॉकर को समझ लो कि ये बीटा ब्लॉकर मतलब एक कोई फादर है जिनका नाम है बीटा ब्लॉकर, उनके तीन बेटे हुए, फर्स्ट बेटा, सेकंड बेटा, थर्ड बेटा, ओके। वैसे भी तुम्हें पता है बीटा रिसेप्टर भी तीन टाइप के थे, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, सो ऐसे समझ सकते हैं। सो बीटा ब्लॉकर फादर है, उनके तीन बेटे हुए, फर्स्ट बेटा, सेकंड बेटा, थर्ड बेटा। जो फर्स्ट बेटा है ना वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, तो उससे बोलेंगे पिताजी बीटा ब्लॉकर फर्स्ट बेटे से कि तुम पीएससी की तैयारी करो, ओके। सो पीएससी, सी को टी समझना, पीएसटी, पीएससी की तैयारी करो। सो पी फोर पिंडोलॉल, एस फोर सोटालॉल, ठीक है ना, टी फोर टीमोलॉल, पी फोर प्रोपेनोलॉल। सो इससे याद हो जाएगी पीएसटी से। सारे बीटा ब्लॉकर के एंड में लॉल आएगा, और लॉल तुम लोग समझते हो कितना तुम यूज़ फॉरवर्ड करते हो उस वर्ड को, है ना, व्हाट्सएप पे हर जगह चलता है वो, फेसबुक वगैरह। सो जो भी लॉल है वो समझ लो बीटा ब्लॉकर है, ओके। जिसमें भी लोल आ रहा है, लोल सारे ड्रग्स में आएगा, सो जिसमें भी लोल आ रहा है वो बीटा ब्लॉकर है। सो प्रोपेनोलोल, टीमोलोल, सोटालोल और पिंडोलोल पीएसटी से याद हो जाएंगे। फर्स्ट जनरेशन है तो ओल्डर है, यानी कि जो फर्स्ट जो चाइल्ड बच्चा होगा, फर्स्ट जो उसका होगा बेटा, वो सबसे पहले होगा, सो सबसे ओल्डर होगा और नॉन सेलेक्टिव होगा। सेकंड जो बेटा है उसको बीटा वन भी बोलते हैं, या वो कार्डियो सेलेक्टिव, यानी कि वो दिलदार आदमी है, ऐसे समझ लो, सेकंड बेटा दिलदार आदमी है, कार्डियो सेलेक्टिव है। मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल, एसीबिटोलोल, बीसोप्रोलोल, एसमोलोल, इनको कैसे याद करें। सो जो सेकंड बेटा है ना उसकी हॉबी क्या है, वो बाइकिंग, रेस बाइकिंग करता है, ओके, बाइक बहुत चलाता है, कार बहुत चलाता है। सो उससे बोलेंगे पिताजी कि तुम पहले बीमा करा लो कार का, या कोई भी गाड़ी ले रहा है, सो बीमा करा लो, सो बीमा करा लो, उसके बाद गाड़ी बाइक चलाओ। सो बीमा से याद करेंगे बी फोर बीसोप्रोलोल, ई फोर एसमोलोल, एम फोर मेटोप्रोलोल, ए फोर एटेनोलोल, ए फोर एसीब्यूटोलॉल, ओके। सो याद हो गया बीमा से। थर्ड जनरेशन का जो बेटा है वो अल्फा ब्लॉकर तो है ही, लेकिन सॉरी बीटा ब्लॉकर तो है ही, लेकिन उसमें साथ साथ प्रॉपर्टी अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी है उसमें, ठीक है ना। सो ऐसे समझ लो बीटा ब्लॉकर फादर है और अल्फा ब्लॉकर उसकी मदर है, ओके, इस बच्चे की। सो उसमें माता के समान, माँ के समान भी है वो थोड़े थोड़े उसमें कैरेक्टर, ठीक है ना। तो थर्ड जनरेशन ऐसे याद कर सकते हैं। ड्रग्स के नाम है लेबेटोलॉल, कार्बिडोलॉल, सेलिप्रोलॉल, नेबिलोल और बिटोक्सोलॉल, इनको कैसे याद करें। थर्ड जो बेटा है ना उसका फिजिकल बहुत अच्छा है, फिजिकल बहुत अच्छा है, तो पिताजी बोलेंगे कि बेटा एनसीसी ज्वाइन कर लो। एनसीसी होता है ना, उसमें फिजिकल ट्रेनिंग होती है, फिजिकल कैंप होते हैं, है ना। सो एनसीसी में फिजिकल ट्रेनिंग होती है, सो उससे बोलेंगे, उसका फिजिकल बहुत अच्छा है थर्ड बेटे का, उससे बोलेंगे बेटा एनसीसी ज्वाइन ले लो या एनसीसी ले लो, ओके। सो बेटा से बिटोक्सोलॉल, एन फोर नेबिबोलॉल, सी फोर सेलिप्रोलॉल, सी फोर कार्बिडोलॉल और एल फोर लेबेटोलॉल। सो थर्ड बेटा को एनसीसी ज्वाइन करा देंगे हम। सो बिल्कुल इजी है, फर्स्ट जनरेशन में पीएससी करा देंगे क्योंकि इंटेलिजेंट है, सेकंड जनरेशन वो कार मार बाइक चलाता है, उसका बीमा कराएंगे। थर्ड जनरेशन जो का बेटा जो है उसको हम एनसीसी ज्वाइन करा देंगे क्योंकि उसका फिजिकल बहुत अच्छा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं बीटा ब्लॉकर के बारे में। इससे पहले बीटा ब्लॉकर को केडीटी में ये मेन क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन सिलेक्टिविटी के आधार पे भी दिया गया है, नॉन सिलेक्टिव एंड कार्डियो सिलेक्टिव। सो ये भी अपने आप याद हो जाएंगे। कार्डियो सिलेक्टिव वो ड्रग्स हैं जो हमने यहाँ पे भी पढ़ लिए, फाइव ड्रग्स तो ये हैं और तीन ड्रग्स ये बीटा एन सी और बिटोक्सोलॉल, नेबिबोलॉल और सेलिप्रोलॉल, तीन ये। सो ये सारे कार्डियो सिलेक्टिव हैं। अब इसमें नॉन सिलेक्टिव में बीटा वन बीटा टू दोनों को ब्लॉक करेगा। इसमें तीन टाइप के, विदाउट आई एस ए, आई एस ए विथ आई एस ए और विथ अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर के साथ वाली, यानी कि लेबेटोलॉल और कार्बिडोलॉल, ये वाले ड्रग्स हो जाएंगे। इसमें लिखा था अल्फा ब्लॉकर के साथ लेबेटोलॉल, कार्बिडोलॉल, ये दो वाले ड्रग्स। विथ आई एस ए, आई एस ए का मतलब क्या होता है, इंट्रेंसिक सिम्पथोमाइमेटिक एक्टिविटी है, तो ये बीटा ब्लॉकर, बस उनमें कुछ कुछ एक्टिविटी ऐसी है कि मेनली काम तो इनका बीटा ब्लॉकर ये, बट ये कुछ सिम्पथोमाइमेटिक जैसे भी एक्शन करेंगे। सो एक ही ड्रग्स है पिंडोलॉल बस, और बची कुछ ये वाले ड्रग्स। सो इसको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, मैंने याद इसको करना है। सो ये याद हो गया अपन को। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं,
बात करते हैं इसके यूजेस की, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, ओके ना, और साइड इफेक्ट की। सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया। दो टर्म होते हैं हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सीवियर है, सबसे खतरनाक कौन है, हाइपोग्लाइसीमिया कि हाइपरग्लाइसीमिया? हाइपोग्लाइसीमिया इमरजेंसी है, ओके, मेडिकल इमरजेंसी। सो हाइपोग्लाइसीमिया डेफिनेटली खतरनाक है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया के तो पेशेंट तुमने देखे होंगे, डायबिटीज वाले पेशेंट नॉर्मली घूमते रहते हैं, कई साल जी लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट हाइपोग्लाइसीमिया है तो ये इमरजेंसी है। सो हाइपोग्लाइसीमिया में होता क्या है, इसमें बीटा वन बीटा टू एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। बीटा वन स्टिबुलेट होगा हाइपोग्लाइसीमिया, बीटा टू होगा और एसिटाइल कोलिन होगी। बीटा वन क्या करेगा, ट्रेमर, टैकीकार्डिया और पालपिटेशन। कहाँ था बीटा वन, दो जगह था, हार्ट में और जीजी सेल में। बीटा टू कहाँ पे था, बीटा टू क्या थे हमारे पास, लंग्स। सो लंग्स में था और अदर जितनी भी जगह थी वहाँ सभी जगह बीटा टू था। एक बार मैं तुम्हें बता, ये है देखो, बीटा वन था हार्ट में, जीजी सेल में। हार्ट में क्या करता था, कंडक्टिविटी कॉन्टेक्टिविटी सबको बढ़ा देता था, ओके, जीजी सेल में रहने का। बीटा टू कहाँ था, लंग्स में था, जीआईटी में था, ब्लैडर में था, ग्लैंड में था, यूटेरस में था, ब्लड वेसल्स में था, स्केलेटल मसल में था और लिवर में था, ओके। सो लिवर में ये क्या काम करता था, मैंने बताया था रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया कर देता था, ओके ना। स्केलेटल मसल में था तो स्पिंडल ट्रेमर यानी कि ट्रेमर आते थे उसको। ब्लड वेसल में वैसोडायलेशन था, यूटेरस को रिलैक्स करता था, टोकोले को इफेक्ट करते, प्री टाइम जो लेवर होता है ना, बच्चा चाइल्ड जन्म देता उस टाइम पे यूज करते थे। ग्लैंड के सीक्रेशन को कम कर देता था। ब्लैडर में यूरिनरी रिटेंशन, क्योंकि ब्लैडर को रिलैक्स करेगा यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। जीआईटी की मोटिलिटी को कम करेगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। लंग्स में यानी कि ब्रोंकस में। सो बस हाइपोग्लाइसीमिया की बात करते हैं तो बीटा वन में क्या होगा, टैकीकार्डिया पालपिटेशन। टैकीकार्डिया क्यों होगा, क्योंकि बीटा वन जो है ना हार्ट में था, ओके। बीटा टू से ट्रेमर हो रहा है, स्केलेटल मसल में था तो ट्रेमर हो रहा है, ओके। एसिटाइल कोलिन जो कोलिनर्जिक सिस्टम होता है उसमें बताया था ये स्वेटिंग, ये सीक्रेशन को बढ़ाती थी तो स्वेटिंग हो रहा है। सो अगर ये जो सिम्टम्स हैं इनको बोलते हैं वार्निंग सिम्टम्स, ओके। ये वार्निंग सिम्टम्स हैं किसके, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को तो उसको तुरंत बिस्किट खिला दो, कुछ ग्लूकोज दे दो, कुछ भी दे दो उसको तुरंत, क्योंकि ये कंडीशन बहुत इमरजेंसी है, ओके। हाइपोग्लाइसीमिया में देना पड़ेगा अगर ये तुम्हें ट्रेमर, उसको ट्रेमर आ रहे हैं, उसको टैकीकार्डिया है, पालपिटेशन है और स्वेटिंग हो, बहुत पसीना आ रहा है उसको बिना फालतू में, तो फिर उसको दे दो बिस्किट वगैरह कुछ खाने के लिए दे दो, वो बच जाएगा। अगर अपन ने नहीं दिया तो भी वो पेशेंट मरेगा नहीं, क्योंकि अभी लेवर काम कर रहा है। बीटा टू जो होता है वो लिवर में भी होता है, मैंने कहा था लास्ट में जो रिसेप्टर बताया था, लिवर लिवर में भी था। लिवर में क्या करता था, रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब अगर क्या करता था लिवर में, ये हाइपोग्लाइसीमिया होगा और क्योंकि शुगर कम है तो बढ़ाएगा कैसे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बनवाएगा नए नए से, प्रोटीन से, फैट से, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ग्लूकोज बनाएगा, ग्लाइकोजिनेसिस को नेगेटिव चिन्ह लगाया, मतलब कि ग्लाइकोजन को नहीं बनने देगा, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा। सो शुगर अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया ठीक हो जाएगा। सो इसको बोलेंगे रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, एक से कारण हो रहा है बीटा टू के कारण, ठीक है। तो अगर हम कोई पेशेंट बीटा टू ब्लॉकर ले रहा है पहले से, या हम उसको बीटा टू ब्लॉकर दे दें और उसको भैया डायबिटीज है, ठीक है ना, और बीटा टू ब्लॉकर दे दिए हमने, ब्लॉकर मतलब बीटा टू से शुगर बढ़ रही थी, अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो ये सारी प्रोसेस तो चलेगी नहीं, नहीं चलेगी ना, तो इसमें एक्सक्लूसिवली कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ओके। सो बीटा टू जो ब्लॉकर हैं वो डायबिटीज मलाइटस में के पेशेंट में एक्सक्लूसिवली कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कभी नहीं दे सकते हैं, ओके। इनको देने ही नहीं, अगर हमने ये दे दिया तो एक तो उसका ये सिम्टम्स कम हो जाएगा, ट्रेमर आएगी नहीं उसको, तो हमें पता भी नहीं चल पाएगा। ऊपर से अगर हम कुछ खाने को नहीं देंगे क्योंकि उसको डायबिटीज़ है तो वो सोचेगा कि हमें तो शुगर बहुत ज़्यादा है, शुगर बढ़ी हुई है, डॉक्टर साहब ने बोला है कि मीठा कुछ खाना नहीं है, तो वो खाएगा भी नहीं कुछ, और नहीं खाएगा तो फिर वो निकल लेगा, इसलिए उसको ये बीटा टू ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, नहीं देना है, ओके, ये समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं इसकी अदर यूजेस की और कॉन्ट्राइंडिकेशन की। बीटा ब्लॉकर के यूजेस की बात करते हैं, बीटा ब्लॉकर के दो टाइप के यूज हो सकते हैं, कार्डियक यूज और नॉन कार्डियक यूज। कार्डियक यूज क्यों, क्योंकि बीटा वन जो था वो कार्डियक पे था, ओके। सो कार्डियक हो सकते हैं और बीटा टू कार्डियक के अलावा अदर जगह से, तो नॉन कार्डियक यूजेस हो सकते हैं। सो कार्डियक की बात करें तो कार्डियक जो सीवीएस सिस्टम है उसमें जितने भी बड़े बड़े डिसीज हैं सब में बीटा ब्लॉकर का यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे कि जो जो तुम्हें याद आता जाए वो सब में, हाइपरटेंशन में कर सकते हैं, ओके, एंजाइना में कर सकते हैं, एमआई में कर सकते हैं, एमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सीएचएफ में कर सकते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अरिथमिया में कर सकते हैं, ओके। सो सब में कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, एंजाइना दो टाइप का होता है, क्लासिकल और वेरिएंट। सो हम क्लासिकल जो होता है ना उसमें यूज कर सकते हैं, वेरिएंट में नहीं कर सकते, बताएंगे पैथोलॉजी में डिटेल। सीएचएफ में भी अक्यूट सीएचएफ होता है और क्रॉनिक होता है,
ये भी पैथो में पढ़ोगे, तो इसमें अक्यूट में कभी नहीं दे सकते, क्रॉनिक में दे सकते, बस इतना याद रखना है। बाकी तुम्हें जो भी कार्डिक में CBS में जो जो डिसीजन बड़े बड़े उन सब में दे सकते। नॉन कार्डिक की यूजेस की बात करें तो उसकी एक ट्रिक है द मेगा गेम, इसको ऐसे लिख लेना, सॉरी द मेगा प्लेग्राउंड, ओके, सो द मेगा प्लेग्राउंड से याद कर सकते हैं इसके नॉन कार्डिक यूजेस। द से क्या आ जाएगा, थायरो टॉक्सिकोसिस, ओके, एम फोर माइग्रेन, ई फोर असेंशियल ट्रेमर, जी फोर ग्लूकोमा, ए फोर एकथीजिया, प्ले फोर परफॉर्मेंस एंजाइटी, ओके, सो इतने ग्राउंड का कोई मतलब द मेगा प्लेग्राउंड से याद कर सकते हैं। द फोर थायरोटॉक्सिकोसिस माइग्रेन में यूज कर सकते हैं, असेंशियल ट्रेमर आ रहा है उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ट्रेमर सिंपैथेटिक सिस्टम के कारण आ रहा है और इसको हम ब्लॉक कर देंगे तो ट्रेमर आना बंद हो जाएंगे। ग्लूकोमा में यूज कर सकते हैं, एकाथीसिया में, परफॉरेंस एंजाइटी, किसी को मतलब स्टेज पर जाने में फियर होता है, बोलने में फियर होता है, ओके, सो उसमें को हम बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो वो बड़े अच्छे से बोल पाएगा। सो ये सारे यूजेस हैं। जो माइग्रेन है ना, माइग्रेन में की प्रोफाइल एक्सिस में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, सो ये याद रखना है कि माइग्रेन की जो प्रोफाइल एक्सिस होती है उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ओके। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की, साइड इफेक्ट या कॉन्ट्राइंडिकेशन, सो इसके भी बीटा वन ब्लॉकर के साइड इफेक्ट और बीटा टू ब्लॉकर के साइड इफेक्ट। जब तुमसे पूछा जाए बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट तो दोनों के लिख देना, अलग अलग की बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। ये बीटा वन क्या करता था, हार्ट रेट को, कंडक्शन को और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को, तीनों को कम कर देगा क्योंकि बीटा वन क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, तो बीटा ब्लॉकर है तो ये कम हो जाएगा। सो हार्ट रेट अगर हम कम हो गई, और कौन सा होता है जिसमें पहले से कम होती है, सिक्स साइनस सिंड्रोम एक होता है, सिक्स साइनस सिंड्रोम होता है एक, उसमें पहले से ही कम होती है हार्ट रेट, तो उसमें तो हम दे नहीं सकते और ज़्यादा कम हो जाएगी उसकी। कंडक्शन किसमें कम होता है, ये ए बी ब्लॉक हो जाता है हार्ट में, सो ए बी ब्लॉक है, कंडक्शन वैसे ही उसका काम है, एट्रिया से वेंट्रिकुलर तक पहुँच नहीं रहा है, ब्लॉक है, और हमने कंडक्शन और बीटा ब्लॉक कर दे दिया, वो और कंडक्शन कर देगा, सो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, नहीं दे सकते। तीसरा है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कम कर देगा, ये अक्यूट CHF हमने पहले बताया था ना, अक्यूट में नहीं दे सकते, सो अक्यूट CHF में वैसे ही कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम रहती है हार्ट की और ज़्यादा कम हो जाएगी अगर बीटा ब्लॉकर दे दिया, सो नहीं दे सकते। तीसरा बीटा वन की बात करें, यहाँ बीटा वन सिर्फ हार्ट में था, सो हार्ट के कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा। बीटा टू की बात करें तो ये अस्थमा में, डायबिटीज मलाइटस में और वेरिएंट एंजाइना में, ओके, इनमें एक्सक्लूसिवली कॉन्ट्राइंडिकेशन, डायबिटीज मेलाइटस में मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ तुमको, ओके, सो नहीं दे सकते। ये तीन हमेशा याद रखना, अस्थमा, डायबिटीज मेलाइटस, वेरिएंट एंजाइना, सो ये सारी चीज़ें याद रखना है बीटा ब्लॉकर के बारे में, ओके। सो कभी नहीं बोलना है हार्ट रेट, कंडक्शन, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करता है, सिक्स साइनस सिंड्रोम, ए बी ब्लॉक, अक्यूट CHF, अस्थमा, डायबिटीज मेलाइटस, वेरिएंट एंजाइना, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और इसके अपन ने बात कर ली थी इंडिकेशन की, सो कार्डियक में तो जो जो तुम्हें याद आता जाए वो सब में यूज कर सकते हैं इसका, और नॉन कार्डियक में तो द मेगा प्लेग्राउंड से यूज कर सकते हैं, इनके निकल आएंगे। थायरोटॉक्सिकोसिस, माइग्रेन, माइग्रेन में प्रोफाइलेक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, एसेंशियल ट्रेमर, ग्लूकोमा, एकाथीसिया, परफॉर्मेंस एंजाइटी, सब में दे सकते हैं। उनको ड्रग्स के नाम याद हो गए हैं, बस आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।